Taking updates from Parliament amid Parliament log jam, key meeting in Parliament. Prime Minister meets Union Home Minister in Parliament. So that's the breaking update amid a chaos and uproar in Parliament, which led to adjournment of both the houses. Now, key meeting taking place in the Parliament. Prime Minister meets Union Home Minister in Parliament. Ravikant is joining us on the story. Ravikant, both the houses have been adjourned once again over the uproar that we saw. This has been continuing over the last several weeks. Now, of course, we believe that Prime Minister is meeting Union Home Minister over this uproar and chaos in the Parliament. देखिए, बजट का जो दूसरा सत्र है वो भी लगभग लगभग कंप्लीट वॉशआउट है, क्योंकि पार्लियामेंट का कल आखिरी दिन है बजट सत्र के दूसरे चरण का। इन सब के बीच में ये जो बैठक चल रही है संसद भवन के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, तो पार्लियामेंट की स्ट्रेटजी के साथ साथ इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी के स्टिक यूनिट के हेड हैं बंडी संजय, उनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पर। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने तेलंगाना के बड़े लीडर्स हैं वो जूम कॉल पर मीटिंग कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि जो एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं बीजेपी का ये मानना है कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट फॉल्स एलिगेशन जो है बंडी संजय के ऊपर लगाए गए हैं, और जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो लिया जाएगा, क्योंकि स्टेट यूनिट के हेड को जानबूझकर फंसाने का प्रयास जो है तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है, ये एलिगेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और कल बीजेपी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है 44वां, उसको लेकर बीजेपी पूरे देश में एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर रही है, उन तमाम तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। All right, thank you Ravikant for bringing all those details. So as he's been pointing out, this is a key meeting in Parliament, several issues being raised there, including Bandi Sanjay's arrest in Telangana.